आप लोग, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी एक अपनी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने पुरानी चीज़ों से क्या बनाया। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि हम कोई सामान लाते हैं, कोई बड़ा आइटम लाते हैं, फ्रिज या टीवी वगैरह, तो उसमें ये इस तरीके की एक रिएक्शन सी निकलती है। तो मैंने इसको रख लेते हैं, जो छोटे छोटे फॉर्म ये कपड़ों में निकलते हैं ना फ्रेंड्स, तो मैंने वो भी सारे इकट्ठे कर रखे हैं। बस इन्हीं बची कुची बेकार की चीज़ों से मैं बहुत ही बढ़िया सी एक चीज़ बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, जिसे देख के आप भी हैरान रह जाएंगे। और ये है हमारा पेंट का रंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अक्सर हम इसको पानी वगैरह भरने के काम में लेते हैं या कोई सामान भर के रख देते हैं। तो इसी से मैं इतनी गजब की चीज़ बनाने वाली हूँ ना फ्रेंड्स कि आप भी देख के हैरान रह जाएंगे। ज़्यादा हमें टीम झाप की ज़रूरत नहीं है, जो फालतू की चीज़ें पड़ी हुई हैं बस उन्हीं से ही बनाऊंगी। और उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर कोई न्यू फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पुराने फ्रेंड्स हैं तो लाइक कमेंट शेयर करे बगैर मत जाइएगा। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो हमने ले लिया है ड्रम, और उसके लिए हमको एक कपड़े की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई भी आपके पास दुपट्टा वगैरह हो पुराना, या कोई भी ऐसी बेडशीट हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए फिर दिखाते हैं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो जो मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, उसमें मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है। तो ये बनाएगी और मैं आपको दिखाती जा रही हूँ फ्रेंड्स कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये मेरा ही आइडिया है, लेकिन ये मेरी बिटिया बनाने जा रही है। मैं इसको बताती जाऊंगी उस तरह से ये बना दी जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो फॉर्म है ना, ये बड़ा वाला, इसको हम इस तरह से ड्रम में पूरा चिपका देंगे। चाहे तो आप फेविकॉल से चिपका दीजिए या टेप से चिपका दीजिए, किसी भी चीज़ से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं टेप का यूज़। तो टेप से ही हम इसको पूरा कवर कर देंगे, जो बाहर का हिस्सा है ना, ये पूरा हम इसी से ही अच्छी तरह से बंद कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको चिपकाते जाएंगे। तो बहुत ही आसानी से ये टेप से चिपक जाता है, लेकिन फेविकॉल चाहे तो आप फेविकॉल से भी इसको चिपका सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से ये पूरा ऊपर तक हमने कवर कर लिया है, पर लास्ट में हम इसमें टेप लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ये हमने इसको पूरा ढक दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ले लिया है कपड़ा, और इसको हम पहले नाप लेंगे कि हमें कितना चाहिए, उस हिसाब से हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो ये देखिए, इस तरह से हम पहले पूरी इसकी नाप कर लेंगे, और उसके बाद कट करके फिर हम इसको चिपकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने नाप लिया है, और अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कटिंग कर ली है नाप के, और इसको भी हम उससे टेप से ही चिपका देंगे, फेविकॉल से नहीं, टेप से ही चिपकाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा हमने ज़्यादा ही कट कराए, ताकि अंदर भी हम इसको कवर कर देंगे, थोड़ा पीछे से भी हम इसको कवर कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बाहर से ऊपर की तरफ से जोड़ दिया है, ये जो पीछे की तली होती है ना, इधर भी हम इसी तरह से टेप लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो डबल शाइडेड टेप होते हैं ना, हमने वो भी यूज़ कर लिया है, अच्छी तरह से कपड़ा उसमें फिक्स हो जाएगा, निकलेगा भी नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला तो हमने इस तरह से तैयार कर लिया है, चारों तरफ से बढ़िया तरह से ये हमने इसमें कपड़ा लगा दिया है। और अब बारी आती है जो इसका ऊपर का ढक्कन है ना, ये देखिए, इस ढक्कन को भी हम थोड़ा सा अच्छी तरह से बना लेते हैं फॉर्म से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इस ढक्कन को भी कवर करने वाले, जितने भी फॉर्म होंगे ना, हम उसको इसी के ऊपर रख देंगे, ताकि ये थोड़ा गुदगुदा सा बन जाए। जैसे अगर कॉटन हो तो आप इसमें कॉटन भी भर सकते हैं, लेकिन अगर कॉटन नहीं है तो ये फॉर्म भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो जितने भी फॉर्म मेरे पास रखे हुए हैं ना, मैं सारे यूज़ कर लूँगी, ताकि ये खूब गुदगुदा सा बन जाए। तो चलिए फिर इसको अच्छी तरह से हम सेट कर देते हैं फ्रेंड्स।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने फॉर्म रख दिया है और अब हम कपड़े की भी नाप कर लेते हैं। उसके बाद ये कपड़ा हम इसी में ज्वाइंट करने वाले हैं चारों तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कपड़े को नाप कर लिए है और इस तरह से पहले हम इस कपड़े को बिछा देंगे। उसके बाद हम रखेंगे इसके ऊपर ढक्कन, और ढक्कन के ऊपर जितने भी फॉर्म थे ना, फॉर्म सही थी, हम इसको इस तरह से रख देंगे। और उसके बाद चारों कोने हम इस तरह से मिलाकर, ये देखिए इस तरह से हमें चारों कोने मिला लेने हैं। और यहाँ पर हम सुई धागे से मार देंगे टाका, ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए और ये खुले ना। तो यहाँ पे हम सुई धागे का यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसको सिलता जाना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से सिल जाता है, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत का काम नहीं है फ्रेंड्स। बस हमको पूरा कवर करना है और अच्छी तरह से हम इसको सिल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से सिल लिया है। और अब एक काम हमें और करना है, हम एक कपड़ा और लेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। और चारों तरफ हमने इसका नाप कर लिया है और इसकी कर ली है कटिंग, और यहाँ साइडों से हम इसको सिलने वाले, ताकि हम इसको कवर की तरह यूज़ कर सकें। क्योंकि जब ऐसे चारों तरफ से सिल जाएगा ना, तब हम इसको इसके ऊपर चढ़ा देंगे। तो फटाक से हम इसको पहले चारों तरफ सिल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरह से हम चारों तरफ इसमें सिलाई लगाते जाएंगे, ये देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिल लिया है और हम इसको इसी के ऊपर इस तरह से रख देंगे और फिर हम कर लेंगे इसको सीधा। और जो हमने इसमें सिलाई लगाई थी ना फ्रेंड्स, इस तरह से पूरा हम इसको चढ़ाते हुए और डोरी को हम खींच लेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स। कुछ इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से खींचते जाएंगे, और जब ये खींच जाएगा ना फ्रेंड्स, तब हम इसको टांका लगा करके वहीं पर छोड़ देंगे, ताकि ये हमारा फिक्स हो जाए और इस टाइप से कुछ बन जाए। तो खूब बढ़िया तरीके से हम इसको खींच लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरह से सिल लिया, आप देख सकते हैं। कभी हमें धोना हो तो इसको हम निकाल के कवर को धो भी सकते हैं। और ये एक हमारी बहुत ही सॉफ्ट सी एक गद्दी बनके रेडी हो गई है फ्रेंड्स। और ये देखिए, हम इसको इस तरह से इस पर रख देंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा आइडिया फ्रेंड्स? और अब हम इसको बैठने के लिए भी बढ़िया से यूज़ कर लेंगे, चाहे तो हम इसके अंदर सामान भी रख सकते हैं और ऊपर से हम इसको बैठने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तरह से हम इसको बैठने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल रहता है ये। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वाला जुगाड़, ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर अगली वीडियो में इसी तरह की कोई बढ़िया सी चीज़ लेके आऊँगी फ्रेंड्स। जब तक वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।